उठो, उठोगे नहीं? ए सरांस, नहीं उठोगे ना? देखो क्या बज रहा है, 9:15 हो रहा है। अरे उठ नहीं रहे हो? हम जा रहे हैं गांव, गांव जा रहे हैं, है ना? आई क्या आया है जी? म्यूनी तुम खाए थे कल? हैं, खाए थे? हाँ, अच्छा लगा था। और खाओगे? हैं, ए भाई और खिला दो इसको, म्यूनी खिला दो। और खाओगे? हैं, हाँ, तरांस और खाएगा म्यूनी भाई। जल्दी से चलो ब्रश कर दे। चलो निकलते हैं, अभी जाएंगे। पहले तो जाएंगे हम चितबड़ा गांव, मुझे जाना है, काम है। उसके बाद से चितबड़ा गांव से फिर मुझे जो निकलना है, गांव भी निकलना है, मुझे जाना है, क्योंकि गांव में निमंत्रण भी है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, पहले चितबड़ा गांव काम कर लेते हैं, फिर गांव निकलते हैं। केवल मोटरसाइकिलों का आवागमन है, तो देखो कितना खाली खाली दिख रहा है, क्योंकि 4 व्हीलर 4 पहिया सभी लोगों को उधर ही रोक दिया जा रहा है। केवल मोटरसाइकिलों से आवागमन है बलिया में एंट्री आज। तो हम लोग पहुँचे हैं चितबड़ा गांव, फेफना रसड़ा वाले रोड में, क्योंकि चितबड़ा गांव जाना है तो इसी रोड से होकर जाना है। और रास्ते में देख सकते हैं कि भीड़ किस हिसाब से है। वैसे तो अभी भी मान लीजिए कि दूर पे ही जो है 4 व्हीलर वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए रास्ते में कितना जाम। बहुत सारे लोग आते हैं नहाने, बहुत मतलब लाखों में मतलब कि है संख्या ये। और आवागमन लोगों का पैदल चलना भी समझे 4-5 किलोमीटर से कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। खैर, लोगों का अपना साधन हो गया है, तब इसी से लोग ज़्यादा आवागमन करते हैं। देखिए बाइक के जो है आ रही है जा रही है, बाइकों को रोक टोक नहीं है, केवल 4 व्हीलरों का रोक टोक है। अभी देखिए यहाँ पे कितने सारी है, तो लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन है। ओ भाई, अभी आपको ले के चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। तो यही वो जगह है जहाँ पे सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, और यहीं से लोग जो है पैदल जा रहे हैं। तो ये वही जगह यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आगे दिख रहा है ना, कैसे यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया गया है पूरा। यहाँ पर भी स्नान शायद होता है क्या? हाँ, इधर भी शायद होता है। खैर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो कितना बड़ा जाम लगा है, भीड़ लगा है यहाँ पे, बहुत भयंकर। और इधर देख सकते हैं, लेकिन जाने के लिए भी जो है उन्हीं उन्हीं को जाने दिया जा रहा है जिनको परमिशन दे रहे हैं लोग, मोटरसाइकिल से भी हो तो भी। देख लीजिए इधर, बाप रे, कितनी सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है भाई। अब तो इधर जाम ही जाम मिलेगा। बाकी ये देखो सत्कार पैलेस में ये किसी की शादी हो रही है, बहुत बढ़िया सजावट दिख रहा है यहाँ पे। वैसे शादियों का दिन तो चालू हो ही गया है, हमें हमारा ही आप मान के चलो कि आज जो है 2-3 लगन है, 2-3 पार्टियों में मुझे ही जाना है खुद ही, अभी तो शाम को है। और इसीलिए मुझे जा भी रहा हूँ, तब तो मैं गांव निकल रहा हूँ, तब देखता हूँ क्या करते हैं। पहले तो चितबड़ा गांव चलते हैं। चलो अभी कुछ जाम कम हुआ यहाँ से, लेकिन देख रहे हैं ना गाड़ियों की कहाँ तक ये खड़ा किए हैं। अभी यहाँ भी देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी खड़ा है, इधर यहाँ पर, ये देखो देखा, बाप रे। चलो हम लोग पहुँचते हैं चितबड़ा गांव। चितबड़ा गांव से तो हो गया काम, यहाँ पे काम करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बज रहा है क्या? 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, तो 1:30 बज रहा है। तो अब सीधे यहाँ से हम चलेंगे
घर पे गांव पकड़ी। पहुंच गए हैं अपने गांव अपने घर पे, अभी बज रहा है 2:15। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, आज निमंत्रण भी है बहुत सारा, तो अभी कुछ काम होगा कि क्या होगा देखते हैं। तो पहुंच गए गांव, चलते हैं अपना काम करने, यानी कि इसका पेंट करने। चलो फिर से। तो जितना पेंटिंग करना बना किए, अब इसके बाद से हम और विनय निकल गए हैं निमंत्रण के लिए। भाई लगन चालू हो गया है, अब तो पूरी मिलेगा हर जगह। तो अभी पास में ही मेहुली ग्राम सभा है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आए, निमंत्रण है यहाँ पे। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत एक मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत मंदिर। कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ वीडियो भी बनाएंगे। तब यहाँ पे निमंत्रण था, हो गया। विनय और जसवंत दोनों लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं। इन लोगों का एक वीडियो है, दोनों लड़ते हुए आज बड़ी प्रेम भाव से मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल गए और अब जो है गांव पे निमंत्रण है वो किया जाए। दूसरी जगह निमंत्रण में जा रहे हैं सोनू भैया हैं, और इनको तो सब लोग जानते हैं, मंजीत भैया पिज्जा वाले। दुकान बंद रह रहा है इस समय, इनका कहाँ बंद रह रहा है? आज बंद है सर, आज बंद है। हैं, हमको वीडियो में बोल रहे थे कि हम एक दिन खोलते हैं। हैं, हमेशा जब देखे तब तब। खाना कैसा बना पीने? अच्छा है ठीक बा। अभी खाना पीना हो रहा है यहीं पे। एक जगह और निमंत्रण था तो वहाँ पे आए हैं, बस हो गया आज का निमंत्रण। अब उसके बाद से सीधे चलते हैं घर पे चलते हैं। रात के बज रहा है 8:30 हो रहा है इस समय, अब घर पे चलते हैं सीधे। हो गया आज का सारा निमंत्रण खत्म। गांव पाने के बाद तो निमंत्रण भैया चालू हो गया है, तो सब जगह तो करना पड़ेगा। बस यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।